फर्क है इसमें चाइना के और आप में इन्वर्टर में? चाइना हाइब्रिड आ रहा है ज़्यादातर, हमने डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर बनाया जो डे टाइम में आपका यूजेज के लिए इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवाब जैदी और आप देख रहे हैं एमराल्ड डिजिटल। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं एक बार फिर एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे फ्यूचर ट्रैक और चेकऑन की तरफ से एक एक्सपो मुनक्किद किया गया है शॉर्ट बिजनेस के लिए। आप इधर आए अपना बिजनेस देखें और यहाँ से बिजनेस बनवाएं अपना। और नाज़रीन इसी पर जब हम आए तो हमने एक अजीब सा एक मुनफरिद स्टॉल देखा, जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अमूमन लोड शेडिंग का मसला रहता है, ना सिर्फ गर्मियों में, अब ये मसला आवाम के लिए सर्दियों का भी सर दर्द बन गया है। बिजली एक ऐसी नेमत है जिसकी ज़रूरत आपको हर जगह हर मौसम में होती है, लेकिन वही बिजली पाकिस्तान में अब नापैद होती जा रही है। अगर मिलती है तो हद से ज़्यादा बिलों के साथ मिलती है। इसी तरह एक इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको दुनिया में सोलर पैनल कहते हैं, और सोलर पैनल को चलाने के लिए आपको इन्वर्टर्स की ज़रूरत होती है। बगैर इन्वर्टर के सोलर पैनल आपके लिए किसी फायदे का नहीं होता। इसी जब हम इधर स्टॉल पाए तो हमने देखा अब तक के जो इन्वर्टर्स आप चाइना से आते थे हमारे पास, जो चाइना से इंपोर्ट होती थी, जो पाकिस्तान में नहीं बनते थे, अब ये पाकिस्तान में बनने लग गए हैं। इनके रेट्स में क्या फ़र्क है, क्वालिटी में किस तरह होंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान साहब और बहुत से सवालों के जवाब इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र आप सर। अब तक हम देख रहे थे ये जो इन्वर्टर्स हैं ये चाइना से आते थे या गैर मुल्क से इंपोर्ट किए जाते थे, अब ये आप बना रहे हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं, अपने पाकिस्तान में बना रहे हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी हो रही है। क्या फ़र्क है इसमें चाइना के और आप में इन्वर्टर्स में? चाइना हाइब्रिड आ रहा है ज़्यादातर, हमने डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर बनाया जो डे टाइम में आपका यूजेज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम हाइब्रिड देखते हैं कि वो ये होता है, वो दिन में भी चल जाता है, रात को भी बैटरी सेट है उसके साथ जुड़ती है। आपने सिंगल बनाया है कि सिर्फ दिन के टाइम चलेगा, तो ये फिर रात को आवाम क्या करेगी? रात को वापस भी शिफ्ट हो जाएगा। तो बैटरियों का क्या आप कह रहे हैं कि बैटरियाँ नहीं होनी चाहिए? उस पर भी वर्किंग हो रही है, नया मॉडल वो हाइब्रिड भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। स्टार्टिंग हमने इधर से किया है, जो डे टाइम यूजेज वाले हैं ना, जो आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और मस्जिदों में दुकानों पर जिनका डे टाइम इस्तेमाल है, बैकअप की जरूरत नहीं रात को, उसके लिए बेहतरीन है। हैवी लोड और दिन का खरीद वो ज़्यादा, जैसे कि स्कूल आप कह रहे हैं, कॉलेज कह रहे हैं, ऑफिस कह रहे हैं, तो उनके लिए आपने बनाया है। इसकी क्वालिटी कैसी है चाइना की क्वालिटी के मुकाबले में, ज़रा बताएं? चाइना की क्वालिटी अमूमन हम समझते हैं बहुत अच्छी होती है, जो बाहर से आता है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी समझी जाती है। इंशाल्लाह ताला हमने चाइना को इससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल हमने इधर प्रोडक्ट डिज़ाइन करके टेस्टिंग कर रहे हैं। आप अगर इधर कैमरा डाल के देखें तो आपको पता लगेगा, ये बोर्ड की फिनिशिंग से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। बोर्ड मैं देख रहा हूँ, इसकी पीवीसी फिनिशिंग आपने कर ली है, लेकिन ये साफ आप पीछे से ससल नजर आता है, आगे से तो आपने पीवीसी कर दिया होगा इसको, और ये कंपोनेंट की असेंबली सारे सामने लगे हुए हैं, इसके पीछे कुछ नहीं लगा। ये अच्छा ये कंपोनेंट सामने लगे हुए हैं सारे। अच्छा ये बताएं ये इसका रेट्स क्या है, चाइना के रेट्स क्या होते हैं? मतलब मैं बार बार चाइना कह रहा हूँ, लेकिन हमारी मुराद है कि जो बाहर से आते हैं, अमूमन हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट चाइना से होती है, जो बाहर से आते हैं उनके रेट्स कैसे हैं और आपके रेट्स कैसे हैं उसमें? और इसमें 50% का फर्क है तकरीबन, 50% का फर्क है। 3 किलोवाट का आप कितने का दें? 3 किलोवाट हम 35,000 का दे रहे हैं आज के दिन, वैसे 45,000 है, 8,000 का डिस्काउंट। जी 10,000। और चाहे हमें बाहर से जाता हो कितने का पड़ता है? वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर है। और 5K? 5K भी 1,65,000 से स्टार्ट होता है आपका, हमारा 45,000। अच्छा आपका 45,000 आज के दिन? आज के दिन। और वैसे 55,000 का। अच्छा आपने कहा ये 5 का, हम अगर बताएं ये 3 KV का अगर कोई स्कूल आपके पास आता है छोटा, तो ये कितने पंखे चला सकता है, कितनी बिजली लोड इस्तेमाल उठा सकते हैं अपने साथ 5 KV का? कितने अब्बास हैं, हम ऑफिस देखते हैं, स्कूल देखते हैं, काफी बड़े स्कूल होते हैं, क्या उधर एक इन्वर्टर बहुत होता है या एक से ज्यादा लगवाने पड़ेंगे? जी छोटे स्कूलों के लिए तो एक इन्वर्टर बहुत है, अगर बड़े स्कूल है फिर 2 इन्वर्टर आप लगवा सकते हैं। और मस्जिद और मस्जिद वगैरह हम देखते हैं उधर के लिए, मस्जिद के लिए भी 5 किलोवाट बहुत है, 25 पंखे 30 पंखे इजिली चला लेते हैं। आजकल हम देख रहे हैं घरों में भी बहुत ज्यादा रुझान आया हुआ है, हाइब्रिड से लोग हटते जा रहे हैं, बैटरी के खर्चे पड़ते हैं, तो घर में भी 3 या 5 KV का, 3K पे कितने AC चल जाएंगे? 3 किलोवाट पे 1 AC चल जाएगा, लाइट फैन चल जाएंगे इजिली चलेंगे, टीवी भी चल जाएगी, मोटर चल जाएगी, AC बंद करके मोटर चला। अच्छा और 5K का लगवाएं तो AC के साथ मोटर भी चल जाएगी? 5K का लगाएं AC के साथ मोटर। अच्छा सोलर पैनल है आपके पास? सोलर पैनल। अगर मार्केट से हम सोलर पैनल लें और इसका प्रॉपर आप हमें इन्वर्टर का रेट बताएं, तो टोटल हमें कितने का खर्चा आ सकता है? तकरीबन 5 किलोवाट जो है वो आपको 3.5 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा 6 प्लेटें लगा के, और जो ये है 3 किलोवाट आपको कोई, ये इन्वर्टर के साथ आप बता रहे सारा खर्चा फिक्सिंग के साथ 3.5 किलो, और मीटर जो होता है ग्रीन मीटर, इसका इसके साथ ग्रीन मीटर नहीं, ये ग्रीन मीटर नहीं लगता मीटर के बगैर, फिर तो कोई फायदा नहीं, जो बिजली बनेगी वो जाया हो जाएगी। डे टाइम यूजेज है ना, आप जितनी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप डे टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा बैटरी के साथ डे टाइम नहीं लगता? बैटरी के टाइम डे टाइम। चलिए जी बहुत शुक्रिया। हमारे छोटा इन्वर्टर कंट्रोलर जो छोटे घर वाले हैं जो UPS रखे हुए हैं और सोलर लगाना चाहते हैं, उसके साथ डिवाइस लग जाती है, आपका वो सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाता है। सोलर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, मतलब हमें ना ग्रीन मीटर चाहिए, ना वापडा का खर्चा, ना किसी चीज़ का, बस आप सोलर पैनल लगाएं, 5 लाख रुपए में आप अपने खुद मुस्तफीद हो जाएं। लाइफ कितनी है इनकी? ये 1 साल वारंटी दे रहे हैं हम।
और 3-4 साल आराम से इजीली चलता है सर्विस। अगर 5 लाख को हम 12 महीने पे डिवाइड करें तो तकरीबन 40-1 हजार का खर्चा आता है मंथली। 2 साल में इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। 2 साल में पैसे पूरे, बाकी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जिंदगी। और कमर्शियल के आपके 1 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं। कमर्शियल के 1 साल में पैसे पूरे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में भी अब वो जदीद टेक्नोलॉजी बनने लग गई है और अब पाकिस्तान खुद मुस्तफीद होता जा रहा है बहुत से मैदानों में। और अगर ऐसे एक्सपोज और मजीद होते रहे जो लोगों को इधर लाए और लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहा और आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी है, ना आपको बैटरी को खर्चा है, ना आपको वापदा के मीटर का खर्चा है, ग्रीन मीटर का, आपने सिर्फ सोलर पैनल लगाने हैं, ये डिवाइस लगाना है और आपके घर में वर्किंग शुरू हो जाएगी, जिसकी ये 1 साल की वारंटी भी आपको दे रहे हैं और इनका ये दावा भी है कि 2 साल में आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे और आगे आप बिल्कुल ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।